यूक्रेन और रूस की जंग का आज 11वां दिन है। शनिवार को रूस ने आम लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटे बाद इसे खत्म भी कर दिया गया। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामोनिशान मिटा देंगे। पुतिन की धमकी के जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इधर अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक क्यू को घेरे हुए हैं और रूस कभी भी शहर पर अटैक कर सकता है। क्यू इंडिपेंडेंट के मुताबिक पिछले 10 दिन में 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक सेना में शामिल हुए हैं। सभी को शुरुआती ट्रेनिंग देने के बाद मोर्चे पर तैनात किया गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से और ज़्यादा हथियार देने की अपील की है। आपको जंग के अहम अपडेट्स बता दें, जहां मास्टर कार्ड और वीज़ा ने रूस में अपने सभी सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस में अब तक 150 से अधिक कंपनियों ने अपना कारोबार समेटा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री देमेत्री कुलेबा से मुलाकात की। मुलाकात में ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। यूक्रेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से अपील कर रहा कि पुतिन से युद्ध रोकने के लिए आप कहें। बेनेट शनिवार को पुतिन से मास्को में मिले थे। यूक्रेन ने बीते 24 घंटों में रूस के 9 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। वहीं कई रूसी सैनिकों के युद्ध बंदी बनाने का भी दावा किया है। यूक्रेन के लीव में रूसी हमले से बचाने के लिए सभी स्टेचू को कवर किया गया है। इन स्टेचू को पुलिस की मॉनिटरिंग में रखा गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने शहर की घेराबंदी कर दी है और वह कभी भी हमला कर सकती है। इधर रूस की सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन और सीरिया युद्ध में जान गंवाने वाले हर रूसी सैनिक के परिवार को 50 लाख रुपए रूबल यानी कि करीब 3.9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायल हुए सैनिकों के परिवार को 30 लाख रूबल यानी 2.4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रूस ने बताया था कि यूक्रेन युद्ध में अब तक उसके 498 सैनिक मारे गए हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके डर से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया था। ट्रंप ने कहा, मेरे कार्यालय के वक्त भी रूस यूक्रेन पर हमला करने का मन बना रहा था, लेकिन मैंने पुतिन को धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो हम मास्को को तबाह कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।